एक और बड़ी खबर, पीओके में आतंकियों का लॉन्च पैड पहली बार कैमरे में कैद हो चुका है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए कुछ ही देर में देखेंगे जब LOC पार पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड देख सकते हैं। आप ये रेड एरिया में आप उस लॉन्च पैड को देख सकते हैं जो किसी का घर है और उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, उसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं जो सीमा पार बैठकर किस इलाके के लिए, भारत के कुछ हिस्सों के लिए ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें आतंकी गतिविधियां हो, लेकिन भारत की जो सेना है वो भी तत्पर है। करके कुछ बड़ी खबर और भी हम बताएंगे आपको। जो कैमरे में कैद है वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। तो इस वक्त आइए हम आपको बताते हैं कि पुंछ में LOC के पार POK में आतंकियों ने किन इलाकों में लॉन्च पैड तैयार कर रखा है। इन सभी लॉन्च पैड पर भारतीय सेना नजरें गड़ाए हुए है। अब एक एक लोकेशन हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से लोकेशन है। पुंछ, राजौरी, ये वो जगह है जहां पे निशाना साधने की कोशिश होती रही है। POK में आतंकियों के लॉन्च पैड क्या है, नल्ली वो जगह, इसके अलावा भिंबर, बकबक एक जगह है और पगसर, ये पुखरनी, माग्याल, ये वो जगह जो POK में है और यहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लॉन्च पैड की जो तस्वीरें कैमरे में कैद है उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। तो नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। 8 ऐसे शहर हैं जिसकी तस्वीरें अब हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला, कुल्लू और नैनीताल में पुलिस नए साल को लेकर बहुत सतर्क है और आज रात नए साल के जश्न के मौके पर पूरी तरह से उन जगहों पर मुस्तैद रहेगी जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होनी है। ऐसे में शहरों के क्लब, मॉल, पब और टूरिस्ट प्लेस पर पुलिस की कई टीमें तैनात रहने वाली है। नए साल को देखते हुए आज 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है जिसके तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते और ऐसा करने पर पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने रविवार और सोमवार के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी लगा चुकी है। आज साल 2023 का आखिरी दिन है, नए साल के जश्न की पूरी दुनिया में तैयारी है। देश में भी सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक एक करके हम बड़ी बातें आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली में पुलिस और प्रशासन जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है, तो वहीं नोएडा की इस वक्त हम बात करेंगे जहां 1 जनवरी तक धारा 144 लागू है। नोएडा में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है और अगर कोई नियम को तोड़ता है, नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ में भी नए साल का सेलिब्रेशन रात 12 बजे तक ही मनाने की इजाजत है। रात 12:10 के बाद सभी पब, क्लब और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। चंडीगढ़ में सुरक्षा के लिहाज से 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ये नए साल के मौके पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से बड़ी तैयारी की गई है। और इस वक्त हम लखनऊ की बात करेंगे। लखनऊ में भी पुलिस नए साल पर किसी भी तरह की कोई छूट देने के मूड में नहीं है, ढील देने के मूड में नहीं है। पुलिस ने पहले ही व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठकर ये निर्देश दिया है कि कहीं भी बेकाबू भीड़ नहीं होनी चाहिए जिससे अराजकता फैलने का खतरा कम हो। वहीं पुलिस 5 दिनों के लिए ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान भी चला रही है। लखनऊ में नए साल पर 44 कुछ निर्गत किए थे और बैठक करके लोगों को उसमें अवगत भी कराया गया है। मुख्य रूप से जो दिशा निर्देश हैं कि आप सीटिंग कैपेसिटी से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं देंगे, ये जिम्मेदारी होगी बार और जो रेस्टोरेंट मालिक है और जो मॉल के ऑनर्स हैं इन सबकी जिम्मेदारी है कि ओवर क्राउडिंग ना हो जिससे अराजकता फैलती है। सेकेंड, इनको जो साउंड की बाध्यता है और जो टाइम लिमिट है उसको ध्यान रखेंगे। आप साउंड एक समय के बाद बंद करना होता है और किसी पड़ोस में किसी को परेशानी ना हो, हमें शिकायत मिलती है 112 पे तो कार्रवाई की जाएगी। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी अनुना राम के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें दूसरी केंद्रीय योजनाओं का भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उनके साथ CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने लाभार्थी अनुना राम को फल, मिठाई और कंबल भेंट किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाकर लाभार्थी अनुना राम बेहद खुश नजर आईं और उन्होंने मोदी सरकार को शुक्रिया भी कहा।
हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।